हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड इस वीडियो में आरआरबी एंड लोको पायलट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, जो कि हमारे साइंस से रिलेटेड हैं। तो मेरे साथ फ्रेंड्स वीडियो में बने रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपका जाते में नाम लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे आपस में साथ ले जाती हैं, मतलब दोस्तों जब वे ध्वनि साथ चलती है, मतलब जो ध्वनि तरंग होती है एक साथ चलती है, तो अपने साथ क्या लेके चलती हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है किरीट। जब दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण होता है फ्रेंड्स, तो उस समय सूर्य का भाग कौन सा दिखाई देता है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर किरीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कपड़ों से मतलब जब इसमें दाग लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम कौन से अमल का यूज करते हैं? आगजेली का अमल जो होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कवको द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है, इसका आंसर है जेएल बेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, मतलब शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य कौन से ऊतक करते हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया? तो इसका आंसर है दोस्तों कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका आंसर फ्रेंड्स डेवी ने। नाइन क्वेश्चन देखिएगा। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, पिछली बार ये 2014 में एग्जाम्स में रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया था क्वेश्चन ये, एंड फ्रेंड्स का आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, टेन क्वेश्चन देखिएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गोबर गैस जो होती है उसमें मतलब मुख्यतः रूप से कौन से गैस पाए जाते हैं, तो उसका आंसर है फ्रेंड्स मीथेन, जो कि गोबर गैस में पाई जाती है। ठीक है, इलेवन क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्वों का प्रदान करता है? मतलब दोस्तों आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि मानव शरीर में नए उत्को की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान कौन सा पदार्थ करता है, तो इसका आंसर फ्रेंड पनीर। ठीक है, जो हमारे उत्को की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? इसका आंसर फ्रेंड्स ड्रेंको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंगूर में कौन सा मल पाया जाता है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसका आंसर आपका हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। और फ्रेंड्स जो ये अम्ल आप देख रहे हैं टार्ट्रिक अम्ल, ये टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एंड इसका आंसर आपका हो जाएगा किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाने में एकमात्र सांप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसका आंसर आपका हवेल शार्क। ठीक है, जो कि भारत में पाई जाती है मछली, एंड सबसे बड़ी मछली ये कहलाती है पूरे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? इसका आंसर फ्रेंड आपका प्रोटीन। जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो वो सोयाबीन में होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे दाल में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देसी घी में सुगंध क्यों आती है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका डाई एसिलेट के कारण, ठीक है। देसी घी में जो सुगंध आती है वो डाई एसिलेट के कारण आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेप अधिक होता है? दोस्तों अगर इस पर पूछा जाए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लाल रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सेवन, ठीक है। सात रंग जो होते हैं सूर्य की किरण में होते हैं। अगर से पूछा जाए कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है, तो वो भी फ्रेंड्स सात प्रकार का आपका प्रकाश माना जाता है। सात प्रकार का प्रकाश होता है, ठीक है, सेवन टाइप ऑफ प्रकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप रीडर मशीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर आपका हो जाएगा सोस ने, जिसने टाइप रीडर का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरका को लेटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर एसिटम, ठीक है, जिसको सिरको को लेटिन नाम जो क्या है एसिटम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दूध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनका आंसर आपको लैक्टो ही मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व तो कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, वह धातु एल्यूमिनियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों जो मोती होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों अगर से पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो गैस होती है, जो ऑक्सीजन, सॉरी फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। अगर से पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो फ्रेंड्स नाइट्रोजन हो जाएगी, 78%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आम का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, इसका आंसर फ्रेंड आपका मैगी फेरा इंडिका, आम का जो वास्तविक नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? दोस्तों 228 जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जो हम कॉफी बनाते हैं घर पे, उसमें जो पाउडर मिलाया जाता है उस कॉफी में, ठीक है, तो पाउडर जो होता है कॉफी का, उसमें कौन सा पदार्थ चूर्ण मिलाया जाता है? तो उसका आंसर फ्रेंड जूड़ों से, ठीक है, जड़ों से जो होता है चूर्ण वो मिला जाता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 29 क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा पदार्थ है? आंवला है, ठीक है। दोस्तों हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बाघ, बाघ जो होता है फ्रेंड्स वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, एंड थैंक यू सो मच।